मूवी की कहानी 1847 से स्टार्ट होती है। उस टाइम पे एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, अच्छा परिवार, अच्छी प्रजा, लेकिन उसको अपने मन की शांति नहीं थी और उसके आंखों में नींद नहीं थी। और उसे एक दिन पता चलता है कि उसे अपनी मन की शांति अकेले ही ढूंढनी होगी और इसलिए वो अकेले महल से चला जाता है और एक जंगल में उसे एक पत्थर दिखाई देता है। जैसे ही वो उस पत्थर को देखता है उसे अपने मन की शांति मिल जाती है और उसकी आंखों में खुशी दिखने लगती है। उस पत्थर के रूप में वहां के लोग देव को पूजते हैं और यही देव उनकी सुख शांति का ख्याल रखते हैं। लेकिन तभी राजा उन लोगों से बोलता है कि मुझे तुम अपने देव दे दो। लेकिन उसी टाइम एक आदमी के अंदर देव आ जाते हैं और देव राजा से कहता है कि अगर तुम्हें मैं चाहिए हूं, तो तुझे अपनी जमीन इन गांव वालों को देनी होगी और अगर कभी तूने अपना वचन तोड़ा तो मैं तुझे मार डालूंगा। और राजा देव की बात मान लेता है और खुशी खुशी देव को अपने साथ अपने राजमहल में लेके आ जाता है। तभी से राजा की जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। अब मूवी की कहानी 1970 में शिफ्ट होती है और तब लोग देव के नाम पे एक कोला उत्सव मनाने लगते हैं और उस उत्सव में एक आदमी देव के कपड़े पहन के डांस करता है और उसमें देव आ जाते हैं और वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं। लेकिन तभी राजा का एक वंशज कहता है कि मुझे अपनी जमीन वापस चाहिए जो मेरे पूर्वजों ने गांव वालों को दान में दी। देव उसे मना करता है और कहता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने वचन दिया था कि हम कभी वापस नहीं लेंगे। लेकिन वो राजा का वंशज नहीं मानता है और कोर्ट केस करने की धमकी देता है। तभी देव उसे कहता है कि अगर तुम नहीं माने तो तुम एक दिन खून की उल्टी करके मर जाओगे। और कुछ टाइम बाद राजा का वंशज कोर्ट की वीडियो में खून की उल्टी करके मर जाता है एक रहस्यमय तरीके से। अब मूवी की कहानी 1990 में शिफ्ट होती है। उस इलाके में एक लड़का शिवा होता है जो उस इलाके में काफी पॉपुलर होता है। वह हर साल होने वाली भैंसों की रेस को जीतता है और उस गांव के जमींदार देवेंद्र सतुरु जो कि उसी राजा के वंशज है वो भी शिवा को काफी पसंद करते होते हैं। तभी उस इलाके में मुरलीधर नाम का एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर आता है और वह वहां के लोगों को जंगल से लकड़ियां ले जाने के लिए रोकता है। लेकिन शिवा उसे यह सब नहीं करने देता है और शिवा कभी कभी अपने दोस्तों के साथ जंगल में सुअर का शिकार भी करता रहता है। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर नियमों को लेके काफी सख्त होता है। एक बार कोला उत्सव चल रहा होता है और हर बार की तरह कोला उत्सव में लोग लोकल बम फोड़ते हैं और वो फॉरेस्ट ऑफिसर कोला उत्सव में आ जाता है और लोगों को बम फोड़ने से रोकता है। लेकिन ये बात शिवा को अच्छी नहीं लगती और तभी फॉरेस्ट ऑफिसर और शिवा के बीच में हाथापाई हो जाती है। लेकिन वो आसपास के लोग उन दोनों को छुड़ा लेते और इस बात से फॉरेस्ट ऑफिसर शिवा से नाराज रहने लगता है। तभी गांव में लीला आ जाती है फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी करके। लीला शिवा की बचपन की दोस्त होती है और धीरे धीरे लीला और शिवा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन लीला जब अपनी ड्यूटी का फर्स्ट डे ज्वाइन करने जाती है तभी फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल से अतिक्रमण हटाने के लिए गांव वालों के घर खाली कराने की बात कर रहा होता है और फॉरेस्ट ऑफिसर अपनी पूरी टीम को लेकर लीला के साथ गाँव में आ जाता है और अतिक्रमण वाली जगह पे बाउंड्री बनाने की कोशिश करता है जिससे सारे गाँव वाले लोग उसका विरोध करते हैं। तभी ये बात शिवा को पता चलती है। शिवा दौड़ के गाँव में आता है और पुलिस के साथ लड़ाई करता है लेकिन फाइनली पुलिस वाले उसे पकड़कर बांध देते हैं और गांव में जंगल की अतिक्रमण की गई जगह पर बाउंड्री बनाकर चले जाते हैं। जब शिवा जंगल में जाता है तो उसे कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है। शिवा और उसके दोस्त अब फॉरेस्ट ऑफिसर को परेशान करने लगे होते हैं। वे लोग जंगल से लकड़ियां काट के बेचते हैं और शिकार भी करते हैं। वे सारे इसलिए ऐसा करते हैं ताकि फॉरेस्ट ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाए कहीं दूसरी जगह, कि वो जंगल में शिकार को नहीं रोक सका। इसलिए एक बार फॉरेस्ट ऑफिसर और उसके कुछ साथी जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी शिवा और उसके दोस्त जंगल में से एक बड़े पेड़ को काट रहे होते हैं लेकिन गलती से वो पेड़ फॉरेस्ट ऑफिसर की जीप के ऊपर गिर जाता है जिससे फॉरेस्ट ऑफिसर और उसके साथियों को बहुत गंभीर चोटें आती है और पुलिस चारों तरफ शिवा और उसके दोस्तों को ढूंढने लगती है। लेकिन फाइनली शिवा और उसके दोस्त पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं और उन्हें जेल हो जाती है। लेकिन एक रात गुरुआ को कोई मार के गाँव में फेंक के चला जाता है। गुरुआ शिवा का बचपन का दोस्त होता है, दोनों साथ में ही बड़े हुए होते हैं और गुरुआ ही वह आदमी होता है जिसे देव आते हैं। और जेल में शिवा को भी गुरुआ की मौत के बारे में पता चलता है और कुछ दिनों बाद शिवा की भी बेल करा ली जाती है जिससे शिवा जेल के बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आते ही शिवा सबसे पहले अपने मालिक जमींदार देवेंद्र सतुरु के घर पे जाता है और उनसे पूछता है कि आप पता लगाइए गुरुआ को किसने मारा और क्यों मारा। और तभी जमींदार की गुरुआ को उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने मारा। वह उस दिन भी कोला रुकवाने आया था लेकिन वह कोला तो नहीं रुकवा सका, इसलिए जो कोला में देव बनता है उसने उसी को मार डाला। तभी शिवा गुस्से में आके फॉरेस्ट ऑफिसर को मारने के लिए निकल जाता है लेकिन रास्ते में शिवा अपनी तलवार पर धार लगाने के लिए एक बूढ़े आदमी की दुकान पे रुक जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी शिवा को बताता है कि तुम्हारा मालिक जमींदार एक शाम को अपनी गाड़ी में बिठा के कहीं लेके गया था लेकिन जब वह वापस आया तो वह मालिक सिर्फ अकेला था, उसके साथ गुरुआ नहीं था और उसी रात को कोई शिवा की लाश जीप में डाल के गाँव में फेंक गया। और शिवा को यकीन हो जाता है कि गुरुआ को मालिक ने ही मारा है क्योंकि जमींदार गुरुआ से कहता है कि जब तुम देव के रूप में आओ तब गाँव
गांव वालों को यह कहना कि तुम अपनी जमीनें वापस जमींदार को दे दो, जो जमींदार के पूर्वजों ने तुम्हें दान में दी थी। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं 5 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम पे लिख दूंगा। लेकिन गुरुआ मना कर देता है और इसीलिए मालिक उसे मार डालता है और गांव में उसकी लाश फेंक देता है। लेकिन तभी जमींदार के आदमी शिवा के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन शिवा उन सबको मार के वहां से भगा देता है और वो सीधे जमींदार के घर पे जाता है और जमींदार के सामने बैठ के उसे चुनौती देता है। और दूसरी तरफ गांव वालों को पता चलता है कि जमींदार ने धोखे से उनकी जमीन हड़प ली है। लेकिन तभी फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम सब लोग फॉरेस्ट एरिया में आ जाते हो तो सरकार तुम्हें अपनी जमीनें वापस कर देगी। और उसी टाइम पे शिवा उन सब लोगों को बताता है कि गुरुआ को मालिक ने ही मारा है। और तभी जमींदार अपने बहुत सारे आदमियों के ऊपर गांव में हमला करने के लिए आ जाता है और तभी गांव वालों और जमींदार के आदमियों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फॉरेस्ट ऑफिसर और उसके आदमी भी गांव वालों के साथ होते हैं और वो जमींदार दूर कुर्सी पर बैठ जाता है और वहीं पर बैठे बैठे लोगों को गोली मारता रहता है। इस लड़ाई में गांव के कई सारे लोग मरने लगते हैं और फॉरेस्ट ऑफिसर भी घायल हो जाता है, लेकिन शिवा उन सारे लोगों को धीरे धीरे करके मारने लगता है। बट फाइनली जमींदार का एक आदमी शिवा को घायल कर देता है और शिवा की मौत का तमाशा देखने के लिए सारे गांव वालों को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन तभी शिवा के अंदर देव आ जाते हैं। देव आते ही शिवा पूरी तरह से बदल जाता है और वह एक एक करके बहुत बुरी तरह से जमींदार के आदमियों को मारने लगता है और लास्ट में वह जमींदार की गर्दन उड़ा देता है। और बाद में कोला उत्सव में शिवा ही देव का नृत्य करने लगता है और शिवा को ही देव आने लगते हैं। जब शिवा को देव आते हैं तब देव सारे गांव वालों को फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ जुड़ने का इशारा देते हैं, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर गांव और गांव वालों की जमीन सुरक्षित रहेगी। और तभी शिवा जिसको देव आ रहे होते हैं वह जंगल की तरफ भाग जाता है और तभी सामने से एक दूसरे देव आते हैं और दोनों एक साथ मिलकर नृत्य करने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।